आप देख रहे हैं TNB। कहते हैं डूबने वाले को तिनके का सहारा होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा में दो परिवारों के लिए 16 फीट लंबा पेड़ जीवन रक्षक बन गया। बाढ़ में बुरी तरह फंसे इस परिवार ने 24 घंटे इस पेड़ पर बिताए। गर्भवती महिला के कारण एक परिवार गांव छोड़कर भाग नहीं सका, तो ही दूसरा परिवार भी इनकी मदद के चक्कर में वहीं फंस गया। अगले दिन सुबह NDRF की टीम ने इस परिवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल ये पूरी घटना है मध्य प्रदेश के विदिशा की। विदिशा के सिरोंज में कैथन नदी के उफान से ग्रामीणों में दहशत है। बीते दिन नदी में आए उफान से सिरोंज के रनिया गांव में तबाही मचाती। बाढ़ के डर से लोगों ने पूरा का पूरा गांव खाली कर दिया, लेकिन यहां गौरव और उसके भाई का परिवार बाढ़ में बुरी तरह फंस गए। पानी इस कदर गांव में बढ़ने लगा कि दोनों ही परिवारों को गांव से निकलने का मौका ही नहीं मिला। गौरव की पत्नी लक्ष्मी गर्भवती थी, जिसकी वजह से वह समय रहते गांव नहीं छोड़ सका। वहीं उसका छोटा भाई छोटू और उसकी पत्नी गौरव की मदद के चक्कर में गांव से बाहर नहीं जा सके। बताया जा रहा है कि गांव में कई फीट तक पानी भर गया था, जिससे पार कर सुरक्षित बाहर निकल पाना बेहद मुश्किल था। गौरव और उसका परिवार हिम्मत के साथ सारी रात पेड़ पर डटा रहा। नीचे उफनती नदी और ऊपर से बारिश और तेज चलती हवा के बीच सारी रात निकल गई। शनिवार की सुबह रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित पहाड़ पहुंचा दिया गया। दीपना खेड़ा पुलिस थाने के प्रभारी सुनील मेहर ने बताया कि सुबह से ही बाढ़ से लोगों को निकालने में पुलिस टीम जुटी हुई थी, और इसी बीच उन्हें रनिया गांव में 6 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली। यहां पर रास्ते बंद होने के कारण SDRF की टीम पहुंच नहीं पा रही थी, और अंततः रेस्क्यू किया गया और उन परिवार को बचा लिया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।